खटीमा में खुल चुका है साउथ इंडियन फूड का काउंटर, जो अन्ना साउथ इंडियन डोसा के नाम से है। हाय, आई एम डेविड सिंह राउत एंड यू आर वाचिंग DW ऑल भारत व्लॉग यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ अन्ना, क्या नेम है, पिट्री बॉस, अन्ना साउथ इंडियन डोसा। ये काउंटर का नेम है, शॉप का नेम है, और जहाँ पर प्योरली साउथ इंडियन फूड मिलेगा, और जो शेफ़ हैं साउथ इंडिया के ही हैं। ऐसा नहीं कि कोई लोकल के, कई बार होता ना कि यार साउथ इंडियन फूड का काउंटर तो खुल गया बट वहाँ का पर्सन नहीं है तो मज़ा नहीं आता है, वो क्वालिटी नहीं आ पाती है। तो वो कहाँ पर है, टाइमिंग क्या है और नंबर क्या क्या चीज़ें बनती है, वो सभी चीज़ें आपको शेयर करता हूँ। जो मेरे मित्र हैं उन्होंने भाई मेरे लिए डोसा ही बोलते हैं इसको, बटर मसाला डोसा। भाई ये हमारे शेफ़ हैं, पूरा डिटेल अभी मैं शेयर करता हूँ कौन है क्या है और कहाँ का क्या सा एक्सपीरियंस है। फ़िलहाल तो मैं अपना फूड दिखा देता हूँ। ये है बटर मसाला डोसा, और मैं इसका एक्सपीरियंस खाने के बाद, टेस्ट करने के बाद मैं बताता हूँ। भी अपने शॉप पे डोसा, बटर मसाला डोसा खा के देख लिया। ये शॉप मेरे मित्र का है, मेरे फ्रेंड का है, जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं। और अब मैं दिखाता हूँ, पहले शुरुआत करता हूँ ये एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे। ऑफर है 20% ऑनलाइन का ऑफर चल रहा है, ऑनलाइन का 20% ऑफर है, 80 रुपये ना, 20 रुपये। वहाँ वही देखेगा ऑनलाइन में, 60 रुपये देखेगा सीधा। एड्रेस का तो कंफर्म मैंने आपको बता दिया, टनकपुर रोड अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली वहीं पे, और आगे दिल्ली वाला रोड है, और ये मेन टनकपुर खटीमा में बस अड्डे के पास पूर्णागिरी होटल है। पूर्णागिरी होटल के नीचे हमने ये स्टॉल लगा रखा है। कल हमारा ओपनिंग था और आज दूसरा दिन है, जहाँ पर हमारे जो शेफ हैं मिस्टर जय हैं, और ये टोटली साउथ इंडियन फूड हमारा बनता है, और शेफ भी वहीं के हैं, हमारे जो टीम है सारी वहीं की है। तो उसमें भाई एक बार आके खा के देखिए। और एक चीज़ बता दूँ, जितने भी ये जो हमारे चंपावत डिस्ट्रिक्ट से लेकर उधम सिंह नगर के अंदर साउथ इंडियन फूड को जो पसंद करते हैं लेकिन मिलता नहीं है वैसा टेस्ट, अब मिलेगा सिर्फ और सिर्फ अन्ना साउथ इंडियन डोसा। ये काउंटर यहाँ पे लग चुका है, नंबर भी मैं शेयर कर देता हूँ, और जब भी आना हो यहाँ पे, टाइमिंग मैं आपको बता दूँ, सुबह
12 बजे से शाम को रात को 10 बजे तक आपको फूड यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। सो भाई आप, मैं अपलोड करते रहूँगा जब भी यहाँ मुझे जो भी नया फूड मुझे लगेगा। हालांकि मैंने भी सारा फूड नहीं खाया, एक गिना चुना मैंने फूड खाया। आज मेरे शेफ ने, जो मेरे मित्र हैं, इन्होंने मेरे को खिलाया पनीर मसाला डोसा। आप थोड़ा कुछ लाइन है, चैनल जो बोल के आएगा उसको फ्री, कुछ जो लाइन है हम इनसे भी जान लेते, पूछ लेते। ये हमारे शेफ हैं, शेफ मिस्टर जे सर हैं। सर कुछ बताएं भैया, आपको तमिलनाडु का डोसा मिल जाएगा, पूरा प्रॉपर डोसा जी, जो बनाए पनीर बटर मसाला डोसा जी जी, ठीक है। आपको प्रॉपर होमली फूड और घर का खाना, नो मेडिसिन नो केमिकल, ओके ठीक है, हेल्थी फूड, एंजॉय योर लाइफ। ओके सर, एक बार टाइमिंग बता दीजिए, कितने बजे से कितने बजे? 10 मॉर्निंग, 10 नाइट, 10। ओके मॉर्निंग टू 10 एवरीडे। ऑनलाइन भी है? ऑनलाइन का एक्सेप्टेड है। प्लीज एक बार नंबर शेयर कर दीजिए अपना। मेरा नंबर है 8525831889 मेरा नंबर है। ओके अन्ना साउथ इंडियन फूड। ऑल राइट, ठीक है। एड्रेस तो मैंने शेयर कर दिया, रोड के पास। बिल्कुल बिल्कुल भाई, दोबारा बोल देता हूँ, चंपा डिस्ट्रिक्ट से लेकर उधम सिंह नगर का जो डिस्ट्रिक्ट है, जो भी खाना पसंद करते हैं साउथ इंडियन फूड, ये खुद साउथ से ही है, कोई लोकल के पर्सन नहीं है, मेरे मित्र हैं, तो यहाँ पे आइए और साउथ इंडियन फूड का इंजॉय कीजिए। सो भाई ज़्यादा मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, यहाँ पे आके अपना एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद ही यहाँ के स्टाफ, मैं यहाँ पे मिलूँ ना मिलूँ, मेरे स्टाफ या जो मेरे खा रहे हैं उसको भी देखिए जी, यहाँ पे जो मेरे मित्र हैं शेफ, इनको फीडबैक दीजिए। और अब रही बात यहाँ बैठने का, सिटिंग अरेंजमेंट का, तो यार थोड़ा हल्का फुल्का अभी स्टार्टिंग है, तो अभी बना रहे हैं, यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है और हैंड वॉश के लिए प्रॉपर है। नाइट में आते हैं तो भाई लाइट वाइट पूरा कर रखा हमने व्यवस्था, राइट। और एक बार मैं यहाँ पे हमारे जो गेस्ट आ रहे हैं इनसे पूछ लेता हूँ टेस्ट के बारे में। भैया टेस्ट कैसा लग रहा है, सही सही बताइएगा, अच्छा तो हाँ, अच्छा नहीं तो नहीं, क्योंकि हम सुधार करेंगे। क्या बात है, पहली बार ही टेस्ट कर रहा हूँ मैं। ओके, मैंने आज तक ये खाया नहीं है। डोसा? हाँ डोसा। अच्छा आपको पता कौन सा डोसा खा रहे हैं आप? अच्छा बॉस, ये कौन सा डोसा है? पनीर बटर मसाला डोसा। ओके कैसा लग रहा है, चटनी? चटनी ठीक है, मतलब ये सांभर हो गया बगल वाला, तीखा जैसा लग रहा है, तीखा लेकिन ठीक। आप लोकल के हैं या बाहर के रहने वाले? नेपाल के हैं। तीखा कम खाते हैं? खाता तो ज़्यादा ही हूँ, लेकिन मतलब नॉर्मली से थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। ज़्यादा लग रहा है बॉस, थोड़ा स्पाइसी कम रखिएगा। एक्चुअली यार देखिए, जैसे कि भैया ने कहा कि मसाला मिर्च थोड़ा कम है, अब ये पहाड़ी इलाका है कुमाऊं, ये भी खुद नेपाल की पहाड़ी है, तो ठीक है थोड़ा मसाले में यानी मिर्च थोड़ा कम रखा जाएगा। और बाकी यहाँ पे आइए, मोस्ट वेलकम है हर इंसान का। और ये हमारे स्टाफ है, दे आर ऑल्सो फ्रॉम तमिल, ये भी खुद साउथ के हैं, पर हमारे मित्र जो है ये शेफ हैं, मास्टर है, टैलेंटेड है, यहाँ पे आके एक बार सेवा का मौका ज़रूर दें। भाई आज के लिए इतना ही, बाकी विल मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।